स्टूडेंट्स, दिस इज कनिका बत्रा, योर मैथ्स टीचर. स्टूडेंट्स, वी हैव डन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन फ्रैक्शन. ये वाला मिक्स फ्रैक्शन वाला टॉपिक भी कर चुके हैं हम, और ये वाला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में हम लोग कैसे करते हैं. ठीक है, लाइक टर्म्स को ऐड करना हमें आ गया है. ठीक है, अब हमें आगे वाला टॉपिक करेंगे. आगे वाला हमारा टॉपिक क्या है, चेक पॉइंट 5 है, विच इज़ हैविंग प्रॉब्लम सम्स. सी, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली. आफ्टर रीडिंग दिस यू विल गेट टू नो कि इसके अंदर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है. तो स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ मैं. सुमन बोट 7x10 किलोग्राम ऑफ राइस एंड 8x10 किलोग्राम ऑफ दाल फ्रॉम द मार्केट. फाइंड द टोटल वेट ऑफ राइस एंड दाल बोट बाय हर. उसको उसने कितना राइस और दाल टोटल परचेज किया है, टोटल वेट क्या है. तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, चेक पॉइंट 5. ठीक है, नेक्स्ट यू विल राइट द क्वेश्चन नंबर 1, द कंप्लीट स्टेटमेंट. यू हैव टू राइट सुमन बॉट 7x10 किलोग्राम राइस एंड 8x10 किलोग्राम ऑफ दाल फ्रॉम द मार्केट. आपको पूरी स्टेटमेंट राइट डाउन करनी है. ठीक है, What is the total weight of rice and dal? Rice और दाल का total weight क्या है? Bought by her, जो कि उसके द्वारा खरीदी गई है, जो कि उसके द्वारा खरीदी गई है. तो इसका solution write down करेंगे in neat and clean handwriting. सुमन बोट 7x10 किलोग्राम ऑफ राइस. तो सबसे पहले आपको क्या राइट डाउन करना है, वेट ऑफ राइस. देखिए यहाँ पे हमें क्या राइट डाउन किया हुआ है, वेट, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेट. तो मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कहाँ से करूँगी, वेट से. वेट ऑफ राइस इक्वल्स टू 7x10, वेट ऑफ दाल इक्वल्स टू 8x10 किलोग्राम. पीछे राइट डाउन करेंगे किलोग्राम. ठीक है, अगर ये टू लाइंस आपकी यूज़ हो रही है तो आपको प्रॉपर टू लाइंस ही यूज़ करनी है. टाइट टाइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा सा लूज़ करेंगे ताकि प्रॉपर फ्रैक्शन राइट डाउन दिखाई दे कि क्या है. तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, टोटल वेट. ये सॉल्यूशन स्टेटमेंट आपकी मर्जी से आप बना सकते हैं, दैट यू विल राइट अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबिलिटी. ठीक है, आपको अगर राइट डाउन करना है राइस और दाल तो आप वो भी लिख सकते हैं, लास्ट में लिख दीजिए टोटल. ठीक है, टोटल का मतलब क्या होता है, प्लस 7x10 एंड 8x10. आप इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस. अब फ्रैक्शन में एडिशन कैसे करते हैं, सबसे पहले कॉमन एलसीएम, दोनों नंबर सेम है तो राइट डाउन क्या करेंगे, 10, और ऊपर वाली डिजिट एज इट इज 7 प्लस 8 15 15 बाय 10. तो आपका आंसर क्या आ गया, टोटल वेट ऑफ द टोटल वेट पर बॉट बाय हर इज 15 बाय 10, लास्ट में किलोग्राम. वेट है तो वेट किस में यूज़ करते हैं हम लोग, किलोग्राम में. तो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस हाउ यू विल डू योर चेक पॉइंट 5, यानी कि योर प्रॉब्लम सम्स. नाउ यू विल राइट क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट रीड इट. सलमा है 6x11 मीटर ऑफ रेड रिबन एंड 10x11 मीटर ऑफ ब्लू रिबन. वट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ टू रिबन्स. तो आप क्या राइट डाउन करेंगे, सॉल्यूशन स्टेटमेंट आपको पूरी खुद से राइट डाउन करनी है. सॉल्यूशन क्या है, लेंथ ऑफ रेड रिबन एंड लेंथ ऑफ ब्लू रिबन. ठीक है, नेक्स्ट आपको लास्ट लाइन में क्या राइट डाउन करना है, टोटल लेंथ. टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है. टोटल मींस क्या कर देंगे आप इन दोनों को, प्लस. प्लस करने का प्रोसेस यू नो, बिकॉज दिस इज अ लाइक टर्म, दोनों ही लाइक टर्म्स हैं तो आप इन दोनों को इजीली ऐड कर सकते हैं. ठीक है, कीर्ति वॉक्स 18x5 किलोमीटर इन एन आर. किरण वॉक्स 12x5 किलोमीटर इन द सेम टाइम. हाउ मच मोर डिस्टेंस कीर्ति वॉक इन एन आर. अब इसने क्या पूछा है, हाउ मच मोर डिस्टेंस कीर्ति वॉक इन एन आर, यानी कि 1 आवर में कीर्ति ने कितना डिस्टेंस कवर की, कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है. जब इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे एट दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज सब्ट्रैक्शन. तो आपको क्या राइट डाउन करना है, कीर्ति वॉक्स इज इक्वल्स टू, या फिर आप लिख सकते हैं कीर्ति कवर्ड
डिस्टेंस, कीर्ति ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, एंड नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं किरण कवर्ड डिस्टेंस, ठीक है। लास्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, मोर डिस्टेंस कवर्ड बाय हुम, मोर डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस किसने कवर किया है ये बताने के लिए आप क्या करेंगे, किसने कवर किया, देखिए 18 बाय 5 है या 12 बाय 5 है, तो कीर्ति ने कितना किया है 18 बाय 5 किलोमीटर और किरण ने कितना किया है 12 बाय 5 किलोमीटर, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 18 बाय 5 माइनस 12 बाय 5, प्रोसेस सेम रहेगा सब्ट्रैक्शन का, कॉमन एलसीएम बाय 5, 18 माइनस 12, 8 माइनस 2, 6 बाय 5 किलोमीटर, ठीक है, लाइक दैट। नेक्स्ट है प्रीतम टुक 12 बाय 5 ऑफ एन आर टू कंप्लीट हर मैथमेटिक्स होमवर्क, शी टुक 7 बाय 15 ऑफ एन आर more to complete the science homework, how many hours did she take to finish her mathematics and science homework, how many hours did she take, दोनों काम इकट्ठा finish करने के, मतलब maths और science का दोनों का ही homework finish करने के लिए उसने total, how many का मतलब यहाँ पे क्या है total, how many total hours, उसने total कितने घंटे use करे हैं इसको करने में, तो 12 by 15 और 7 by 15 को आप क्या कर दोगे plus, ठीक है। अ गार्डन है स्टेटमेंट, सॉल्यूशन स्टेटमेंट आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, प्रीतम कंप्लीट हर मैथ्स वर्क, प्रीतम कंप्लीट हर साइंस वर्क, टोटल टाइम, ठीक है, ठीक है। आपको क्या बताना है, आर पूछा हुआ है ना, तो आपने क्या लिखना है नीचे लास्ट में, टोटल टाइम, ठीक है। अ गार्डनर है 29 बाय 7 मीटर ऑफ फेंसिंग वायर, ही यूज 21 बाय 7 मीटर ऑफ इट टू फेंस हिज गार्डन, वट इज़ द लेंथ ऑफ वायर दैट इज लेफ्ट विद द गार्डन, गार्डनर, गार्डनर ने क्या करना है, 29, उसके पास गार्डनर है 29 बाय 7 मीटर ऑफ फेंसिंग वायर, उसके पास टोटल वायर कितनी है 29 बाय 7, टोटल लेंथ ऑफ वायर इट्स इक्वल्स टू 29 बाय 7 मीटर, ठीक है। उसने नेक्स्ट क्या बोला है, ही यूज, उसने यूज कितनी कर लिया है, यूज्ड लेंथ ऑफ वायर, कितनी लेंथ वायर की वो यूज कर चुका है 21 बाय 7 मीटर, आपको क्या बताना है लेफ्ट वायर, तो लेफ्ट के लिए आप क्या कर देंगे 29 बाय 7 में से 21 बाय 7 को सब्ट्रैक्ट, 7 कॉमन एलसीएम, देन 29 माइनस 21, ठीक है। आंसर आपका किस में आ जाएगा, मीटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन जैस्मिन हाउस एंड हर स्कूल इज 9 बाय 14 किलोमीटर, शी हैज़ ऑलरेडी कवर्ड 5 बाय 14 किलोमीटर ऑफ हिज डिस्टेंस, हाउ मच मोर डिस्टेंस डज शी नीड टू कवर, उसको और कितना डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है जैस्मिन के घर से स्कूल तक का 9 बाय 14 किलोमीटर, एंड वो कवर कितना कर चुकी है 5 बाय 14, तो आपको क्या राइट डाउन करना है पहले टोटल डिस्टेंस, देन क्या राइट डाउन करना है कवर्ड डिस्टेंस, देन आपको क्या बताना है लेफ्ट डिस्टेंस, ठीक है। लेफ्ट बताना है तो आप क्या कर देंगे इसको सब्ट्रैक्ट, यू कैन इजीली डू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है स्किल बिल्ड 5 का, ये भी आपको खुद ही करना है। अ टेलर बोट 1 बाय 2 मीटर ऑफ रेड क्लॉथ, येलो क्लॉथ एंड ग्रीन क्लॉथ, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ बोट बाय द टेलर। सी ये क्या है, आपको नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालना है स्किल बिल्ड, क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे, सॉल्यूशन राइट डाउन करेंगे, रेड क्लॉथ येलो क्लॉथ एंड ग्रीन क्लॉथ, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे नंबर्स राइट डाउन करूँगी, रेड क्लॉथ है 1 बाय 2 मीटर, ये है 1:1 बाय 2 मीटर, एंड नेक्स्ट आपके पास ये ग्रीन क्लॉथ 2:1 बाय 2 मीटर। नाउ यू हैव टू डू, दिस इज नॉर्मल फ्रैक्शन, स्मॉल प्रॉपर फ्रैक्शन, बट ये वाली क्या है मिक्स फ्रैक्शन, ये वाली भी क्या है मिक्स फ्रैक्शन, बट आई हैव टू डू इज कि इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 1 2 2 प्लस 3 sorry 2 1 2 प्लस 1 3 बाय 2 मीटर, इसको भी करेंगे 2 2 4 4 प्लस 1 5 बाय 2 मीटर, ठीक है। अब आप इन दोनों तीनों को प्लस कर देंगे, टोटल आपको क्या बताना है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बोट बाय द टेलर, टोटल क्लॉथ, टोटल क्लॉथ उसने कितना परचेज किया, 1 बाय 2 प्लस 3 बाय 2 प्लस 5 बाय 2, एलसीएम लेंगे 2, नेक्स्ट 1 प्लस 3 प्लस 5, नाउ एडिट 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1
9 बाय 2 मीटर. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, 9 बाय 2 को डिवाइड करके और हम क्या निकाल देंगे, 2 फोर ज़ा 8, 9 माइनस 8 1. नाउ यू हैव टू राइट द आंसर इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन, 4:1/2 मीटर. हमने इसको क्यों किया, बिकॉज हमारे पास स्टेटमेंट किस में थी, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में. ठीक है, इजीली आप लोग कर सकते हैं. अच्छे से वीडियो को देखना है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क टू मी. ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ऑफ लेट्स प्रैक्टिस, ये भी आपको करना है. अ फार्मर प्लांटेड 8x13 पार्ट ऑफ हिज गार्डन विद ग्रीन ग्रेप प्लांट्स एंड 5x13 पार्ट ऑफ हिज गार्डन विद रेड ग्रेप प्लांट. हाउ मच मोर एरिया गार्डन वॉज प्लांटेड विद द ग्रीन ग्रेप प्लांट एज कम्पेयर टू द एरिया ऑफ ग्रीन गार्डन प्लांटेड विद रेड ग्रेप प्लांट. उसने क्या पूछा है कि कितना ज़्यादा एरिया ग्रीन ग्रेप प्लांट ने कवर किया है रेड ग्रेप प्लांट से, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट. तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एरिया कवर्ड बाय ग्रीन ग्रेप प्लांट, एरिया कवर्ड बाय रेड ग्रेप प्लांट. ठीक है, मोर एरिया कवर्ड बाय ग्रीन ग्रेप प्लांट, तो मोर एरिया के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट. ठीक है, इजीली कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आए यू कैन आस्क. ठीक है, रेवती वॉक 13x5 किलोमीटर एंड रोड अ बाइसिकल फॉर 18x5 किलोमीटर. व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर. उसने रोड पर वॉक करके और बाइसिकल चला के दो तरह से डिस्टेंस कवर किया, कुछ वॉक करके और कुछ बाइसिकल से. उसने पूछा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो टोटल के लिए आप क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे. ठीक है, ईजिली हो जाएगा. इसके बाद आपको क्या करना है, MCQs रहने दीजिए, यहीं तक ही फिनिश करेंगे. आफ्टर दिस वी हैव फिनिश्ड आवर टॉपिक फ्रैक्शन. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, अदरवाइज कंप्लीट योर नोटबुक एंड शेयर द पिक्चर्स विद मी. ठीक है, डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, मार्क योर प्रॉब्लम्स एंड आस्क टू मी. थैंक यू, बाय बाय.